हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म निकल चुका है, आपने देखा होगा नोटिफिकेशन के अंदर चार प्रकार के आपके मेडिकल टेस्ट दिए हुए हैं। एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या इसमें किसी प्रकार की छूट होगी या किस प्रकार से सारी चीज़ें होंगी, तो इन्हीं के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चार प्रकार की ये हैं और अगर आप इन मेडिकल स्टैंडर्ड्स को पास नहीं कर पाते हैं तो आपने भले ही एग्जाम पास कर लिया हो लेकिन फिर उसके बावजूद भी आप पास नहीं हो पाओगे उस कैटेगरी के लिए। और जिन्होंने फॉर्म लगा दिया है और इनकी जानकारी नहीं ली है उनके लिए भी मैं बता दूं, चिंता की बात तो है लेकिन आपके लिए एक लास्ट चांस होगा, उसके बारे में डिस्कशन इस वीडियो में किया जाएगा। एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे मान लीजिए ये पोस्टें जो है आपके ग्रेजुएशन लेवल की है, यहाँ पर A2, A2, B2, C2, B2, A2 इस प्रकार के मेडिकल स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। और ट्वेल्थ पास के लिए भी पाँच पोस्टें जो हैं इनके लिए भी C2 और A3, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। बतंगा क्या है, बतंगा ये है कि जनरल फिटनेस तो सब में होनी चाहिए, ये नहीं है तो आप कहीं भी आगे प्रोसेस कर ही नहीं पाओगे। भले पास कर लिया हो लेकिन फिर भी आपको, जैसे मान लिया स्टेशन मास्टर का आपने लगाया फॉर्म, स्टेशन मास्टर में मांगा गया A2 में क्या आता है, A2 में आता है जनरल फिटनेस। सबसे पहले सब में यही आता है, जनरल फिटनेस अगर आपका नहीं है तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। दूसरी बात, इनका स्पेशल विजुअल एक्यूटी का भी टेस्ट होता है, उसमें भी पास होना जरूरी होगा। अब देख लीजिए जनरल फिटनेस क्या होता है। जनरल फिटनेस, इसके अंदर आपका डायबिटीज का टेस्ट होगा, हाई बीपी, लो बीपी, यूरिन टेस्ट, हाइड्रोसिल टेस्ट, ये पुरुषों के लिए होता है। तो आप ध्यान रखें, ये तो लगभग लगभग सभी अभ्यर्थियों के होने ही चाहिए पास। ऐसा नहीं है कि आप इनमें ही फेल हो रहे हो तो फिर आगे तो स्टेशन मास्टर बनने की तो ख्वाब छोड़ दो। दूसरी बात यह है कि इनके बाद आता है आपका विजुअल एक्यूटी टेस्ट। अब आप कहेंगे सर ये ग्रुप डी में भी था, लेकिन ग्रुप डी में थोड़ा अलग था, यहाँ थोड़ा अलग है और ये अलग होना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रहा है। आप देख सकते हैं A2 की अगर मैं बात करूँ तो ये A2 है और ये तीन पोस्ट के लिए लागू होगा। पहला पोस्ट होगा ट्रैफिक असिस्टेंट, दूसरा गुड्स गार्ड्स, तीसरा होगा स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर सबसे बेहतरीन पोस्ट है, मैंने कल भी आपको बताया था। अगर आपने स्टेशन मास्टर के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है अभी से ही और आपने इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा नहीं की है और यहाँ पर आप पाते हैं कि आपको जो है इसमें नहीं फिट बैठ रहे, तो भी आपका जो है प्रिफ्रेंस के हिसाब से काउंट होगा। फिर उसके बावजूद में आगे जा करके देखा जाएगा कि आप किस प्रिफ्रेंस में कहाँ पर आप लाई कर रहे हैं और कहाँ कहाँ आपका मेडिकल स्टैंडर्ड फिट हो रहा है, उसके लिए आपको ले लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसमें नहीं हो रहे हैं इस A2 वाले में, तो फिर आपको नहीं लिया जाएगा पर्टिकुलर इस पोस्ट के लिए, फिर वहाँ पर प्रिफ्रेंस देखा जाएगा। तो A2 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं A2 की यहाँ पर तीन पोस्टें हैं, एक तो है ट्रैफिक असिस्टेंट, एक है गुड्स गार्ड और आप देख सकते हैं एक है स्टेशन मास्टर। तीनों पोस्टें ग्रेजुएशन लेवल पर है, A2 आपका जो है ट्वेल्थ लेवल पर नहीं मांगा गया है, ठीक है। अब ये होता क्या है, आपको ये तो होना ही चाहिए पास, डायबिटीज, हाई बीपी, लो बीपी ऐसे कोई बीमारी आपको नहीं होना चाहिए, यूरिन टेस्ट में भी आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाइड्रोसिल टेस्ट पुरुषों के लिए है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है डिस्टेंस विजन। डिस्टेंस विजन क्या होता है, डिस्टेंस विजन बेसिकली क्या है, 6x9 विदाउट ग्लासेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका 6x9 ग्लासेज के साथ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर भी देख लीजिए विदाउट ग्लासेज और यहाँ पर नो फॉगिंग टेस्ट है। फॉगिंग का कोई इश्यू आपका नहीं होगा, फॉगिंग टेस्ट आपका नहीं होगा, लेकिन आपका विदाउट ग्लास इतना होना चाहिए। आगे अगर देखें तो नियर विजन की बात की जाए तो 0.6 विदाउट ग्लासेज आपका होना चाहिए। मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, जिसके दिक्कत है कलर ब्लाइंडनेस की, वो इसमें आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि उसको कलर ब्लाइंडनेस की कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। आगे अगर बात की जाए तो बायनोकुलर विजन भी आपका होना चाहिए, उसके साथ साथ नाइट विजन, यानी कि रात में आपकी आंखें किस प्रकार से अकोमोडेट करती है, किस प्रकार से आप उसको देख पाते हैं, ज़ूम कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर वेरी करेगी। और उसके साथ मायोपिक विजन का भी टेस्ट आपका होगा, तो ये टेस्ट अगर आपका होगा तो इन तीनों वैकेंसीज में आप आगे जाओगे। अदरवाइज आपने इसका भर दिया है, इन टेस्टों में आप पास नहीं कर पाते, तो फिर आपका प्रेफरेंस देखा जाएगा कि आप दूसरी वैकेंसीज के लिए कौन सा मेडिकल टेस्ट आपका पास हो रहा है, और उसमें अगर वैकेंसी है खाली है और आपकी एक कट ऑफ वहाँ से वेरी कर रही है तो आपका वहाँ पे लगा दिया जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर इस पोस्ट के लिए नहीं होगा अगर आप इस लेवल को फिल नहीं करते हैं। उसके बाद बात करते हैं A3 की। A3 एक ही पोस्ट के लिए है जिसका नाम है ट्रेंस क्लर्क। अब ये ट्रेंस क्लर्क क्या है, आप देख लीजिए यहाँ पर ये है आपका A3, ये इसमें है ही नहीं, ग्रेजुएशन लेवल पर कोई पोस्ट नहीं है इसकी। A3 सिर्फ यहाँ पर है ट्रेंस क्लर्क के लिए और ये है आपका A3। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपका ये चीज़ें तो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिटनेस टेस्ट के लिए। आगे अगर बात की जाए तो आपका जो
विजन वाला होगा, विजन एक्विटी, उसके लिए आप देखिए डिस्टेंस विजन आपका 6x9 सेशन, 6x9 विद और विदाउट ग्लासेज, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर आप ग्लासेज के साथ अपीयर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज लिखी हुई है, पावर ऑफ द लेंसेज नॉट एक्सटीड टू द 2 डायप्टर, तो 2 डायप्टर से ज्यादा एक्सटीड नहीं होना चाहिए, 2 डायप्टर से ज्यादा है तो नहीं होगा, 2 डायप्टर से नीचे है अगर आपका जो ग्लास है, जो चश्मा आप लगाते हैं उसका, तो आपको इसमें ले लिया जाएगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है नियर विजन के लिए 0.6 विद और विदाउट ग्लासेज, तो यहाँ पर ये छूट मिल जाती है। स्टेशन मास्टर के लिए तो आपको ग्लास का कोई चांस ही नहीं है, अगर आपके चश्मा लगा हुआ तो यहाँ पर दिक्कत होगी, लेकिन इसके अलावा जो ये है ट्रेन कलर इसमें नहीं होगी, इसके लिए आपको क्या है ग्लास होगा, लेकिन उसका जो है 2D से नीचे होना चाहिए, 2 डायप्टर से नीचे होना चाहिए आपका जो है पावर। और नियर विजन की बात की जाए तो 0.6 विदाउट ग्लासेज चलेगा आपका, और विद ग्लासेज है तो भी चलेगा। उसके साथ साथ आपको कलर विजन जो है आपका पास होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको है तो दिक्कत वहां पे हो सकती है, वही बायनोकुलर विजन होगा, नाइट विजन भी आपका चेक किया जाएगा और मायोपिक विजन भी आपका चेक किया जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर आप पास करते हैं तो आप A3 के लिए पास होंगे। आगे चलते हैं B2। B2 बेसिकली 3 पोस्टों के लिए है, कमर्शियल कम टिकट कलर के लिए है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर के लिए है, और उसके साथ कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए भी यह है। यहाँ पे आप देखें तो फिजिकल टेस्ट के बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी, वो तो आपका पास होना ही चाहिए। उसके साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं डिस्टेंस विजन आपका 6x9 6x12 विद और विदाउट ग्लासेज यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि आपका विद और विदाउट ग्लासेज होगा तो भी चलेगा। अगर आप ग्लास लगाते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी और एक्सेलेरेट कर दिया गया है, आपका जो पावर है वो एक्सीड टू द 4D, यानी कि 4 डायप्टर से नीचे का होना चाहिए। उसके अंदर आप 2 डायप्टर का भी यूज कर रहे थे, इसके अंदर तो चश्मा ही नहीं यूज कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से फिर आपकी जो सीटें हैं, जो आपकी पोस्ट हैं, वो वेरी करती जाएगी, प्रेफरेंस आपका देखा जाएगा। तो ग्लास होगा तो भी चलेगा और 4 डायप्टर तक का आपका एक्सीड कर सकता है जो पावर है, वो 4 डायप्टर से ज्यादा होगा तो फिर आपको नहीं लिया जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए नियर विजन की 0.6 विद और विदाउट ग्लासेज, यानी कि ग्लास लगाते हो कोई दिक्कत नहीं है, और आपका जो है ये देखा जाएगा कि रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, आपका रीडिंग और क्लोज वर्क भी देखा जाएगा। उसके साथ साथ मस्ट पास टेस्ट फॉर द फील्ड विजन, आपका बायनोकुलर विजन का टेस्ट इसमें होगा, इसके अलावा और भी कोई टेस्ट है जो इसके रिगार्डिंग आते हैं रीडिंग के रिगार्डिंग, तो वो हो सकते हैं। तो ये पोस्ट का जो टेस्ट है थोड़ा ईजी है बनिस्पत इन पोस्टों के और इस पोस्ट के। आगे चलें, आगे आता है C2। ये टोटल 6 पोस्ट इसके अंदर आती है, 12th और ग्रेजुएशन की मिलाकर के 6 पोस्टों का नाम है, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, सीनियर टाइम कीपर, और उसके बाद आती है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और लास्ट वाली पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब आप देखेंगे यहाँ पर जब आप नोटिफिकेशन देखा होगा तो देख लीजिए C2 जो है, ये C2 है 4th नंबर पे और सबसे हल्का वाला टेस्ट है, C2 ज़्यादातर मांगा गया है, C2 3 बार यहाँ पर है, और आप देखेंगे C2 ये भी 3 बार यहाँ पर, तो C2 तो कम से कम होना ही चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल ही नहीं हो किसी भी पोस्ट के लिए। आगे चलते हैं C2 के अंदर क्या आता है, C2 के अंदर आपका डिस्टेंस विजन जो है वो 9x12 विद और विदाउट ग्लासेज, चश्मा लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर डायप्टर का भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो डायप्टर वाला पावर वाला भी सीन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर डायप्टर वाला लिखा हुआ था, यहाँ पर 4 डायप्टर था और यहाँ पर 3 डायप्टर था, और यही इन पोस्टों की बात की जाए तो यहाँ पर तो देख लिखा हुआ है 9 ग्लासेज, यानी कि कोई ग्लासेज आपका यूज नहीं होना चाहिए, आपकी आंखें इतनी तेज होना चाहिए कि बिना चश्मा आप देख सके। तो यहाँ पर आपको छूट है थोड़ी, 6x12 यहाँ पर विजन दिया हुआ है, डिस्टेंस विजन, और नियर विजन दिया गया है 0.6 कंबाइंड विद और विदाउट ग्लासेज, आप ग्लास भी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका 0.6 होना चाहिए, और रीडिंग और क्लोज वर्क जो है रिक्वायर्ड आपका होगा कि आप किस प्रकार से काम कर सकते हैं, क्लोज वर्क कर सकते हैं, तो ये मेडिकल टेस्ट इनके लिए होगा। तो ये थे 4 प्रकार के मेडिकल टेस्ट, A2 A3 B2 और C2, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बता रहे हैं कि सर दिक्कत आएगी तो क्या होगा, देखिए मैं आपको बताऊं, दिक्कत वैसे तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपका जो डॉक्टर होगा वो आपका टेस्ट करेगा, उस मेडिकल स्टैंडर्ड का जो प्रोफॉर्मा दिया हुआ है उस पर आपको सिग्नेचर करवाने हैं,
बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हो जाता है आजकल सब कुछ चलता है। तो दोस्तों एक बात बता दूँ, सब कुछ तो चलता है लेकिन वहाँ पर भी दिक्कत आती है, फिर काम आपको वहाँ करना है, ठीक है ना। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड अगर आप पास कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं करते हैं काम चल जाता है, आप देखते हैं कि सिग्नेचर हो जाते हैं डॉक्टर से, तो वो करें तो वहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत जब आप वर्क करेंगे तो हो सकती है। तो एक बार इनको ध्यान से देख लें कि आप इनमें पास हैं कि नहीं हैं, अगर पास हों तो फिर बहुत बढ़िया है, नहीं हो तो फिर आप ये भी चूज कर लें कि किस प्रिफरेंस में आपको कौन सी भर्ती लगानी है, ठीक है ना। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए डीएसगुरु जी के साथ, थैंक यू।